आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दोस्तों, तकरीबन 3 महीने के बाद अपना एक वीडियो आ रहा है। और ये वीडियो ये दोस्तों ये शूट एक्चुअली लास्ट ईयर अगस्त में हुआ था, तब मानसून था। हम सब कॉलेज के दोस्त यारों हम काड़ो वाटरफॉल देखने गए थे। आपके दिमाग में सवाल ज़रूर होगा कि ये व्लॉग तो अब क्यों अपलोड कर रहे हैं। सो दोस्तों, जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है, सो जो दोस्ती क्या होते वो मुझे तब समझ में एक्चुअल में आई, क्योंकि सब दोस्त जब जुदा होते हैं तब दोस्ती का मतलब समझ में आता है। और मुझे एक थोड़ा सा आइडिया तो था ही कि हमारा कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम लोग शायद कब फिर से मिले ना मिले, तो बस याद में कुछ तो एक वीडियो बनाना था। तो मैंने तभी दिमाग में ठान लिया था कि ये वाला व्लॉग तो मैं अपलोड नहीं करूँगा, बस इसके फुटेजेस अपने पास रखूँगा। और मुझे लगता है कि अब वो राइट समय आ चुका है कि ये व्लॉग रिलीज़ करने का, क्योंकि मैं ये सब अपने दोस्तों के नाम पे ये व्लॉग रहने वाला है, मतलब उनकी पेशकश के लिए ये व्लॉग है दोस्तों, और आप जनता के लिए यानी मेरे व्यूवर्स के लिए, बस उसी याद में ये व्लॉग है। सो प्लीज़ इसे ज़रूर से एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, और आपका कमेंट में मुझे इसका फीडबैक ज़रूर चाहिए, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो ये मत समझना कि ये वाला व्लॉग मतलब अभी मानसून शुरू हुआ है तो हम लोग वहाँ घूमने गए, नहीं, मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका है, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया था। तो बस यहाँ से मैं एक नई स्टार्ट करने वाला हूँ जर्नी, तो बस मुझे आपका साथ चाहिए। प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू असल विद तेजस। आज का ये व्लॉग है, बहुत सडनली प्लान हुआ, ये बहुत सडनली मतलब रात को, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। रात को ही प्लान हुआ है, हम जाने वाले काड़ू दबदबा जो कि मार्शेस के नज़दीक है, सो वहाँ पे हम लोग जाने वाले। फिलहाल अभी मेरे साथ अनिकेत, संतोष और मैं खुद हूँ, हम तीनों ही गाड़ी पे, और अनिकेत का भाई भी आया है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे सब साथ मिलके, ये वीडियो पूरा ज़रूर एंजॉय करना। कुछ प्लान नहीं था ऐसा करने का, लेकिन सडनली हो गया है। तो और फिर क्या, हम अपने सफ़र पे निकल पड़ते हैं दोस्तों। बीच रास्ते में अटके हुए, देख लिया था बड़ा, सॉरी छोटा। अरे कहना क्या चाहते हो? छोटा ब्रेक लेने की कोशिश की थी लेकिन ब्रेक हो गया है बड़ा। अभी कब से रुके, देखो सब कुछ रुके हुए। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाह रहा था कि ये जो रोड है फिलहाल, ये मार्शेस का रोड है, और ये बारिश में इतना सुंदर होता है, और दुनिया में ऐसा जैसे कि स्वर्ग धरती पे आया हो ऐसा फील आता है दोस्तों। पूरा ग्रीनरी, सारे वाटरफॉल्स बाजू में दिखते हैं, और ये सह्याद्री की रांग है दोस्तों, ये पूरा महसूस कर रहे थे हम। बस यही मैं कहना चाह रहा था, जो ब्यूटी है वो दोस्तों वो मानसून में निखर के आ जाती है मार्शेस की। दोस्तों जिस दिन हम गए थे उस दिन बारिश बहुत हो रखी थी, और फिर हम लोग जैसे ही हम लोग
एंड में पहुँचे, लेकिन वहाँ तक जाने का ना एक रास्ता था जो कि रोपवे से था, मतलब 50 रुपये देकर। हम लोग में थोड़ी मस्ती थी, हम लोग ने इसे पैसे नहीं देखे, हम लोग नदी क्रॉस की हमने 3 बार, और तब हमें समझा, जाते वक्त इतना कुछ नहीं लेकिन आते वक्त हमें सच में समझा कि हमारे जान पे बनाई थी। लेकिन दोस्तों ये एक भी रीज़न था कि मैंने ये वाला व्लॉग तभी नहीं डाला था। और हम लोग एंड तक गए, वहाँ पे कोई नहीं जाता था दोस्तों, क्योंकि वो बहुत रिस्की था और हम लोग थोड़ी अकल नहीं थी। और दोस्तों मैं एडमायर करता हूँ कि ये, मैं आपको भी कहूँगा ऐसी गलती मत कीजिए। हम लोग ऊपर तक गए थे और जैसे हम ऊपर गए वहाँ पे छोटे छोटे मतलब मीडियम साइज़ के पत्थर गिरने लगे थे, और वो इतनी ऊँचाई से गिरे थे कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और हम लोग को वो हार्म कर सकते थे। हम लोग इसलिए पत्थर के नीचे छुपे, एज यू कैन सी द इन वीडियो। सो दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये बहुत आप पे जान पे आ सकती है, और मैं भी यहाँ से सीखा हूँ, आगे हम लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ये जो ड्रोन फुटेज है ये सब अपने अंकित भाटिया सर के ड्रोन से मैंने, मतलब उनके वीडियो पे है, उनके वीडियो से मैंने ले लिए है, सो इनका क्रेडिट उनको जाता है ज़रूर से।